मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हुए मतदान में रिकॉर्ड तोड़ 77.15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। 66 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है। इसके साथ ही महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में इस बार ज्यादा मतदान किया है। जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनसे सभी नेताओं की नींद उड़ गई है। जानकारी के मुताबिक 35 विधानसभा सीटों पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों के मतदान में जो अंतर साल 2018 में था लगभग उसी तरह 2023 में भी देखने को मिला है। पिछले चुनाव में महिला पुरुष के वोट में 1.95% का अंतर था जबकि इस बार 2.18% का है। हालांकि ये जरूर है कि पिछली बार 50 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग ज्यादा थी लेकिन इस बार 35 सीटों पर मामला सिमटा हुआ है। इन 35 सीटों में से 24 सीटें तो अकेले विंध्य क्षेत्र की हैं। गौरतलब है कि विंध्य क्षेत्र में कुल 30 सीटें आती हैं। यहां की करीब 24 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है। सबसे रोचक बात यह है कि जिन 24 सीटों पर सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग की गई है उनमें से 2018 में 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही महाकौशल की 7 सीटों पर महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं। उधर भोपाल के दक्षिण पश्चिम में भी पुरुषों ने 58.61% तो महिलाओं ने 59.66% वोट डाले हैं। जिन सीटों पर महिला वोटर्स आगे रहीं उनमें विंध्य क्षेत्र की चित्रकूट, रैगांव, नागौद, मैहर, अमरपाटन, रामपुर, बघेलान, सिरमौर, सिमरिया, त्योंथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगवा, गुढ़, चुरहट, सीधी, सिहावल, चितरंगी, धौहनी, ब्योहारी, जयसिंह नगर, जैतपुर, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ और मानपुर की सीटें शामिल हैं। वहीं महाकौशल की बात करें तो यहां सिहोरा, बिछिया, निवास, मंडला, बैहर, लांजी, परसवाड़ा जैसी सीटें हैं। तो वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम, पवई, पन्ना, मुलताई में भी महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा है। महिलाओं की बम्पर वोटिंग को लेकर भाजपा इसे लाडली बहना योजना का असर मान रही है तो कांग्रेस इसे नारी सम्मान का प्रभाव। गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव को लाडली बहना योजना के दम पर चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना प्रतिमाह 1,500 रुपये देने की घोषणा की थी। तो वहीं शिवपुरी से चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। पिछौर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 66 प्राथमिक शाला भवन हिनोतिया असाली केंद्र पर 283 महिला मतदाता दर्ज थीं और यहां पर 17 नवंबर को हुए मतदान के दौरान 283 महिलाओं ने ही वोट डालकर 100% मतदान कर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए 1488 मतदान केंद्र बनाए गए थे लेकिन इन सभी मतदान केंद्रों में मतदान केंद्र क्रमांक 66 प्राथमिक शाला भवन हिनोतिया असाली की ही एक ऐसा केंद्र रहा। यहां पर 283 महिला मतदाता दर्ज थीं और 283 महिला मतदाताओं ने पूरे वोट डाले। प्राथमिक शाला भवन हिनौती असाली मतदान केंद्र क्रमांक 66 के पीठाधीन अधिकारी सुवालाल जाटो ने बताया कि इस मतदान केंद्र पर 614 मतदाता दर्ज थे जिसमें से महिला मतदाताओं ने 100% मतदान किया लेकिन पुरुष मतदाता का प्रतिशत 85% रहा है। इस तरह से इस केंद्र पर वोट डालने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई है और अब की बार इस इतिहास में सबसे ज्यादा ये मतदान हुआ है। तो ये मतदान किसके फेवर में होगा, सत्ता बदलेगी या फिर से सत्ता में बीजेपी वापसी करेगी, इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को ही होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।